आफ्टरनून. तो हमने सारे एरिया कवर कर चुके हैं, मतलब इनके साइड के. आज जो है हम मेरी साइड का जो एरिया है वो कवर करने जा रहे हैं. तो आज हम जा रहे हैं मेरी मम्मी की जो छोटी बहन है उनके घर जा रहे हैं. उनकी लड़की की लड़की हुई है तो उसको देखने के लिए जा रहे हैं. और मैंने कुछ दिन पहले दिखाया था कि मैं जो भी मेरी ड्रेसेस है वो सारी उसको देने वाली हूँ, तो वो भी मैं लेके आ गई हूँ साथ में. तो इसलिए कल और परसों तो इतनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी, आपको मैंने दिखाया था कि बिल्कुल व्लॉगिंग करने का टाइम ही नहीं था. एक के बाद एक जो है सारे रिश्तेदार आए जा रहे थे, तो उनको रिसीव करना, उनको कुछ ना कुछ देना, ये सब चल रहा था. तो व्लॉगिंग कहाँ से हो पाती, और ऐसे टाइम पे व्लॉगिंग करेंगे तो भी अच्छा नहीं लगता है. इसलिए अभी हम जा रहे हैं वहाँ पे. तो आफ्टरनून का लंच हम उधर ही करेंगे, अभी घर से खा के नहीं गए. घर में तो ऑलरेडी रेडी था, लेकिन मेरी जो मौसी है, चाची बोलेंगी, मौसी बोलेंगे मेरे पास, मौसी शायद. तो मेरी जो मौसी है उन्होंने बोला कि नहीं, यहाँ पे आके ही खाना मैं बना रही हूँ ये वो करके. एक्चुअली वो दुबई में रहते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे आए हुए हैं, उनकी बेटी की डिलीवरी थी इसलिए. और फिर से चले जाएंगे 2 महीने के बाद, क्योंकि रिसेंटली डिलीवरी हुई है, तो 3 महीने मिनिमम रहेंगी और फिर चले जाएंगी. और मैं अपना जो मेरा बिंदी का डब्बा था ना, वो भी लाना भूल गई. तो जब से यहाँ पे आई हूँ मैं वो कुमकुम वाली बिंदी होती है ना, वो लगा रही हूँ. और सुबह सुबह तो क्या नाम है, फॉग बहुत हो रहा, उसके बाद तो गर्मी लग रही है. वो फॉग भी जो है 5-10 मिनट का रह रहा है, उसके बाद रह ही नहीं रहा है. लेकिन गर्मी बराबर है, नहाने के बाद जो गर्मियों में गर्मी लगती है, मतलब उतनी धमाकेदार नहीं है, लेकिन फिर भी गर्मी है पसीना वसीने का. तो जैसे ही मैं रेडी होकर कार में बैठी थी, मुझे पसीना आ गया और मैंने ऐसे पूछा और फिर से वो पूछ गया. तो अभी मेरे को रास्ते में एक बिंदी का पैकेट लेना पड़ेगा और चिपकाना पड़ेगा. और अभिषेक देखो यहाँ पर सो रहा है. तो अभी मेरे हस्बैंड ने रास्ते में गाड़ी रोकी है ताकि उन लोगों के लिए कुछ स्वीट या हॉट लेके जाए, क्योंकि हमेशा नहीं जाते हैं उधर. कभी कभी हमेशा हर अटेम्प्ट में क्या होता है, हमको छुट्टी इनको जो है 2-3 दिन की मिलती है. इस बार 5 दिन की ली है, तो इसलिए सारे एरिया जो है हम कवर कर रहे हैं. तो मेरे मम्मी पापा भी कल तक उधर थे. कल उन्होंने फ़ोन किया था आने के लिए, तब तो मैंने फ़ोन देखा नहीं, और बाद में जब तक देखा तब तक तो बहुत लेट हो गया था. नहीं तो अभी हम जाते तो मम्मी पापा भाई भी उधर ही थे. वो सुबह सुबह दूसरी जगह के लिए निकल गए. वो लोग भी सारे एरिया कवर कर रहे हैं, हम लोग भी सारे एरिया कवर कर रहे हैं. तो वो हटा आदित्य, और आदित्य देखो यहाँ पे है. उसे हाय कराना था एकदम ना, वो उसके मूड के हिसाब से कभी, एक्चुअली वो आना नहीं चाहता था, वो सोच रहा है कि हम लोग विजयवाड़ा वापस जा रहे हैं. मैंने उसको बोला था हम जा रहे हैं करके, बहुत दिन छुट्टी मार ली तुमने करके, इसलिए अभी बैठा है ऐसे सैड करके. और मेरे हस्बैंड जो है थोड़ा स्वीट ट्रीट लेने गए हैं. और बाहर का लोकेशन यहाँ पे बहुत अच्छा दिख रहा है, दिखाती हूँ मैं आपको. देखो अपने लोकेशन कितना अच्छा है यहाँ पे, मतलब छोटा सा पॉन्ड टाइप का बना हुआ है. तो लोकेशन गांव के बड़े ब्यूटीफुल लगते हैं, जैसे ही सुबह उठो बाहर आओ, ये नारियल के पेड़ और ये सारे तो बहुत अच्छा लगता है. और फेस पे ग्लो कायम है कि कम हो चुका है बताओ, और बिना बिंदी के कैसे लग रही हूँ मैं. मैंने ये व्हाट इज इट, वॉच. आदित्य ने वॉच पहनी है, देखो रुमाल वॉच. और मैंने ये पहना है नया वाला कुर्ता. नाइस नाइस. तो मेरे हस्बैंड अभी एक राउंड लगा के गए, बोल रहे हैं कि वहाँ पे ओनली बेकरी आइटम्स है, स्वीट्स नहीं है, तो आगे जाके फिर रुकना पड़ेगा हमको. सो हम अपनी जो है पहले हाय. और ये मेरी मम्मी की बहन है, बताओ मेरी मम्मी की जैसी लग रही है कि नहीं. एंड वो छोटी बहन, और ये सबसे बड़ी, एक और बड़ी है जिसको बाद में दिखाऊंगी मैं कभी.
अभी जो है हम लोग आने के बाद मैंने पेट पूजा बहुत अच्छी तरह कर ली और अभी पी रही हूँ मैं चाय। सो लेट मी एंजॉय द चाय। हाँ, और ऑलरेडी पेट पूजा जो करी है वो पकवान है, बिरयानी बनाई है और इनका हाँ एंड चिकन करी। तो चाहे घर कैसा भी हो दिल बड़ा होना चाहिए, तो इतने प्यार से बनाया और बनाई थी वो बहुत ही टेस्टी बनी थी, वो इसी ने बनाई है इसी ने बनाई है। एंड अभी हम लोग निकलने वाले, मैंने सोचा आते ही जो है मैं आप लोगों से बात करूंगी, लेकिन क्या हुआ मैं सबसे बात करने में भूल ही गई कि मुझे और भी आप लोग को इंट्रोड्यूस भी कर रहा है। तो मैं अभी क्लोजिंग टाइम में आप लोगों से इंट्रोडक्शन करवा रही हूँ इन सबका। अकड़े वनो नरो और मेरा आदित्य और अभिषेक यहाँ पे आके भी एड्रेस नहीं है उनका, वो लोग घूम रहे हैं कहीं कहीं और मेरा हस्बैंड जो है वहाँ बाहर बैठे हैं। तो मैं चाय पीने के बाद आपको थोड़ा सा गांव दिखाने के बाद अभी मिलती हूँ आपसे। अभी हम लोग उनके घर से निकल चुके हैं और अपने घर भी पहुंचने वाले हैं। ये लाइट तो पहुंचने वाले अभी गाड़ी में, रास्ते में ये रुके हैं थोड़े एटीएम से जो है रोकड़ा निकाल रहे हैं थोड़ा सा। गागू एवरो तो मेरे हस्बैंड जी यहाँ एटीएम में पैसे निकालने गए, कैश इज नॉट अवेलेबल करके आ रहे हैं तो उनको पैसे नहीं निकालने दिए एटीएम ने, तो अब हम बिना पैसों के जो है घर जा रहे हैं। अरे थोड़े बहुत हैं चलो निकाल लेते हैं, थोड़ा करके निकालने गए थे लेकिन था ही नहीं।
कल रात के बाद आप लोगों से बातचीत नहीं, घर जाने के बाद मैं व्लॉग भी भूल गई क्योंकि उसके बाद जो है घर के जो थोड़े बहुत काम थे और पैकिंग करनी थी क्योंकि आज सुबह निकलना था, सारे सामान वामान बिखरे पड़े थे वहाँ पे, तो सब कुछ सॉर्ट करके रात को ही मैंने पैक करके रख दिया था ताकि सुबह जो है बस नहाओ धो निकलो। तो अभी सुबह के जो है 11 बज रहे हैं और 11 बजे हम लोग यहाँ से स्टार्ट हुए हैं और जैसे कि मैंने आपको दिखाया है लोकेशन, तो यहाँ पे पूरे रोड पे ऐसा लगता है कि हमेशा एक शामियाना टाइप बंधा हुआ है ऐसा लगता है क्योंकि पेड़ इधर से पेड़ उधर से पेड़ हर जगह से पेड़ ही पेड़ है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो अभी घर से निकले हैं हम, ब्रेकफास्ट कर लिया, आज इडली खाई थी हमने ब्रेकफास्ट में और अभी रास्ते में लंच कर लेंगे कुछ सोच रहे हैं ऐसा। और यहाँ से जाने के बाद मेरे हस्बैंड को जो है ऑफिस भी जाना है क्योंकि छुट्टी जो थी कल तक की थी और आज जो है आफ्टरनून से इनको ड्यूटी पे जाना है, तो इसलिए हम लोग अभी निकले हैं और 2-2.5 घंटे में पहुँच जाएंगे हमारे घर। और ये रहा अभिषेक, अभिषेक टॉर्च चुपीचे मैं टॉर्च ये कुन्ना चुपीचू टॉर्च कलर, और आने से पहले ही अपने दादाजी को जो है बाहर दोनों के दोनों लेके गए और एक एक टॉर्च खरीद के लेके आए, इसके ऊपर फ्लावर है। यदि यदि लाइट लाइट मार चो कलर, हाँ शो वेर इज योर्स चो। दोनों ने एक एक टॉर्च खरीदी, ये रही आधी अभिषेक की, ओके दोनों की लेजर लाइट है और नॉर्मल लाइट भी है, तो दोनों की मैं सोच रही थी उसकी ऐसी क्योंकि दोनों में आता है ऑप्शन। यदि अक्सर चुपीचू चुपीचू, अच्छा अच्छा दो बटन दिए हैं, लेजर लाइट का अलग और टॉर्च का अलग। तो लोकेशन तो आप एंजॉय कर ही रहे हैं, थोड़ा बहुत और भी कुछ दिखेगा तो मैं आपको दिखा दूंगी। और आज हम जो है थोड़े दूसरे रूट से जा रहे हैं क्योंकि जिस रूट से हम आए थे ना वहाँ की रोड बहुत ख़राब हो रखी है, सरकार जो है यहाँ की रोड सही नहीं करा रही है, मतलब वैसे तो वो तार रोड ही है लेकिन बीच बीच में गड्ढे गड्ढे से हो गए जिसको पैच वर्क नहीं किया गया है, इसलिए हम दूसरी लोकेशन से जा रहे हैं जिसके लिए मैंने गूगल मैप ओपन करके रखा है और वो गूगल देवी हमें जो है डायरेक्ट कर रही हैं, जो भी कोई गांव वाँव आ रहा है उनका एक्सेंट ही डिफरेंट रहता है ना, यू टेक थर्फ्ट ऐसे करके बोले जा रही है, तो टेक लेफ्ट टेक राइट लेना है तो मुझे मैप देखना पड़ेगा, इसलिए मैं थोड़ी देर के बाद में मिलती हूँ आप लोगों से। साथ यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गई है, वो ये है कि हमारे गाड़ी का टायर जो है पंचर हो गया किसी, जब हम चल रहे थे तो किसी और ने हमको बताया और उसके बाद हमने देखा क्योंकि उस दिन आने से पहले हमने जो है सर्विसिंग के लिए भेजी थी हमारी गाड़ी और जो भी रेंचेस थे इसके अंदर वो भी नहीं है, वो सारे उन्होंने निकाल के रख दिए होंगे, रखना भूल गए होंगे। और यहाँ पर देखो अभी टायर पंचर पड़ा पड़ा है और हम रुके करेक्ट, हमको पता यहाँ पर लगा जहाँ पंचर की शॉप मतलब जो हाईवे पर रहता है वहाँ रुके हैं, लेकिन रेंचेस के बिना उन लोग को भी आता नहीं है सारी कंपनी टायर्स को ठीक करना, तो हम सोच रहे हैं अगर रोड पे रह के हम लोग गाड़ियों को रोक रहे हैं, कोई डस्टर जो है अगर दिख जाए तो रोक ले, उनके में से रेंचेस मिल जाएंगे तो कर सकते हैं करके, लेकिन एक गाड़ी गई मैंने रोकने की कोशिश की वो रुके ही नहीं, और इन्होंने भी अपने फ्रेंड्स को जो नज़दीक वाले फ्रेंड्स हैं उनको बोला है, अब हमको यहाँ कितनी देर रुकना पड़ेगा पता नहीं। देखो मैं और मेरे हस्बैंड सबको रोकने में लगे हुए हैं अगर कोई डस्टर आ रही है तो, और ये दोनों देखो हेलो, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई क्योंकि इनको दोपहर में जो है ऑफिस भी जाना है, बहुत बड़ी वाली प्रॉब्लम हो गई, लेकिन फिर भी वी आर स्माइलिंग कि ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ है, ये पहली बार हुआ है हमारे साथ। एक तो लंच टाइम भी होने वाला है और एक आध खाने पीने के आइटम्स कुछ थे जो मेरी सासू माँ ने दिए थे, लड्डू वड्डू एंड ऑल, तो मैं खड़े खड़े घूमते घूमते दो लड्डू खा लिए। कोई डस्टर आ जा भाई, एक को फिर से रोकने की कोशिश की लेकिन कोई रोक ही नहीं रहा है, हाईवे पे हमारी हालत ना बहुत ख़राब हो चुकी है, अभी कोई रोक ही नहीं रहा है हमारे लिए गाड़ी। चलो देखो यहाँ का लोकेशन भी देखो आप, हाईवे पे हम लोग खड़े हैं, यहाँ पे धूप सेक रहे हैं और वो हमारी गाड़ी की, और ये इसने दूध की बॉटल लेके पीना भी शुरू कर दिया। तो यहाँ पे साइड में ये एक रेस्टोरेंट है, मतलब हाईवे वाला रेस्टोरेंट, ऐसी चेयर वेयर लगी हुई है देखिए,
और 2 मिनट में फेस टैन हो गया धूप में ऐसा लग रहा है। और ये दिन देखो यहाँ बैठे तो कैसे भी अभी करेंट दोपहर के 1:45 कुछ हो रहे हैं, तो लंच टाइम भी हो गया। एक्चुअली हमने सोचा था कि हम डायरेक्ट इनके ऑफिस चले जाएंगे और वहीं पे खा लेंगे और शाम को एक साथ आ जाएंगे, लेकिन सारा प्लान चौपट हो गया। और अभी यहाँ पे बिरयानी टिफिन सब कुछ है, तो ऐसा हो चुका है। तो अभी मेरे पति देव भी यहाँ पे आके बैठ चुके हैं एंड इट्स अ फर्स्ट एंड व्हाट एक्सपीरियंस जानो। हमें मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं कि मैं कार भेज दूंगा, अभी पहली बार हुआ इंसिडेंट ये हम बैठे हुए इनको ये कार पंचर आवे पंचर लगा सहजमें इधो एक्सपीरियंस। तो मेरे हस्बैंड यही बोल रहे हैं कि मैं अंत अदृष्ट पंचर असला कार अम्मकूद कार उचाल तो मेरे हस्बैंड बोल रहे मैं कार भेज दूंगा। मैंने बोला एक तो हम लकी है जहाँ पे पंचर शॉप थी वहीं पे पंचर हुई है और साइड में ये रेस्टोरेंट भी है वाला वहाँ पे, तो ये लकी वाला पंचर है, तो इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, वी शुड टेक इट पॉजिटिवली रादर देन टेकिंग इट अदरवाइज। तो अभी हम आराम से जब तक खाएंगे पियेंगे तब तक इन्होंने जिनको इंटीमेट किया है शॉप में इंटीमेट किया है मैकेनिक को, तब तक वो आएगा और रिपेयर कर लेगा और उसके बाद जो है हम फिर से रवाना हो जाएंगे। तो चलिए अभी खाना पीना होने के बाद पंचर ठीक होने के बाद बात करते हैं। कार रिपेयर हो चुकी है और हम दोबारा गाड़ी में बैठ चुके हैं एंड लकीली इट वाज सो लकी कि ढाबे के पास और जो पंचर वाली शॉप थी उसके पास ही गाड़ी खराब हुई है, मतलब गाड़ी पंचर हुई है, तो इस गैप में जो है हमारा लंच भी हो गया, तो कोई टाइम वेस्ट हुआ नहीं कि हम लोग खड़े हैं और वेट कर रहे हैं। तो हमारा खाना पीना भी हो गया इस गैप में, जो है इन्होंने भी खा लिया था, क्या हो गया इसको। तो लकीली सारा काम जो है टाइम पे हो गया हमारा, कैसे भी लंच के लिए हम लोग कहीं रुकने ही वाले थे पर हमने सोचा सीधा इनके ऑफिस जाके करेंगे, लेकिन पहले ही कर लिया हमने। बिरयानी ऑर्डर करी थी वो भी बड़ी टेस्टी थी, अभी 4-5 दिन से जो हमारे मिलेट्स जो हमें घर में खा रहे थे, स्टार्टिंग के 2 दिन तो हमने गाँव में खाया मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए, मैं अलग से बना रही थी मिलेट्स, उसके बाद जब जिस दिन त्यौहार था उस दिन तो पकवान इतने बन रहे थे और सेपरेटली उसको पकाना और उसका फिर स्टार्च निकालना वो बहुत ज़्यादा काम हो रहा था, फिर तब से 2 दिन के बाद तो वो छोड़ ही दिया। और अभी जो है हम लोग पहुंच चुके हैं हनुमान जंक्शन आने थे, ये हनुमान जंक्शन में है अभी हम लोग, जब हम जा रहे थे उस दिन हमको इस जगह पे यहाँ से लेके पिछला जो स्टॉप है वहाँ पे आधे घंटे का रास्ता है, जहाँ पे हमको 2.5-3 घंटे लग गए थे, इतना ट्रैफिक जाम था क्योंकि संक्रांति के त्यौहार पे सब लोग गाँव आ रहे थे। सो थैंक्स टू गॉड दैट एवरीथिंग इज फाइन ना। और अभी हम बंक पे रुके हैं ऑयल छुड़ाने के लिए, और जिस दिन से आए बिल्कुल नींद ही पूरी नहीं हुई है क्योंकि रात को लेट सोना हो रहा था, सुबह बहुत जल्दी जगना हो रहा था, इतना जल्दी तो मैं अपने घर पे भी नहीं जगती हूँ, 6-6 बजे 5:30 बजे जग के बैठ के बाहर जाके ओम्स देख रहे थे, तो ऐसा ऐसा चल रहा था। तो वैसे ना जैसा देश वैसा भेस जो बोलते हैं, देश के हिसाब से अपना भेस बदलते रहना चाहिए, तभी सबको जो है हम जो है गुले मुले से रखते हैं, अगर दुनिया से अलग चलेंगे तो उनको भी पसंद नहीं आएगा, और करना क्या है ऐसे करके। और ये अभी दोनों पीछे जाके बैठे हैं और इतना उधम मचा रहे हैं। और अभी मैं ले रही हूँ बेर जो मेरे बहुत फेवरेट है, बहुत दिन से लेने का सोची थी लेकिन ले ही नहीं पा रही थी मैं, अब तो ले ही लेते हैं। ये रहे बेर जो मैं ले चुकी हूँ, और बेर मेरे कितने फेवरेट है उसका एग्जांपल ओनली यही दे सकती हूँ, ये तो दिख रहा है ना आपको, ये बेर के लिए टांगे लग चुके हैं मेरे को। मैं गई थी वहाँ बचपन में और कोई पत्थर आके मुझे यहाँ लगा, मैं बेर को ही देख रही थी और यहाँ हो गया खट्टा और उसके बाद लगे टांगे।
स्विमिंग पूल से रहा। अभी अभी मैं अपने हस्बैंड के ऑफिस में आई और यहाँ पे भी मेरे सब्सक्राइबर मुझे मिल चुके हैं एंड हियर इज़ माय सब्सक्राइबर शी इज़ लावण्या विथ हर कंप्लीट फैमिली। तो उनके हस्बैंड वहाँ पे बच्चों के साथ एंड वो है हाय। तो इन्होंने मुझे देख के रिकग्नाइज़ किया और ये मुझसे मिलने आए। सो इट वॉज़ नाइस मीटिंग यू, थैंक यू। एंड हमने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया तो इसलिए मैंने सोचा चलो अपने वीडियो में भी अगर ये आना चाहते हैं तो इनको अपने वीडियो में लेके आ जाते हैं, इसलिए मैं लेके आ गई। तो चलिए अभी मैं थोड़ी देर के बाद में मिलती हूँ इनको सेंड ऑफ करने के बाद में से बाय। सो इनकी मम्मी भी आई हुई है, वो देखो इनकी मम्मी है। से हाय। सो योर नेम प्रवीत। इनके नाम बड़े डिफरेंट है, प्रवीत एंड जयंत। जयंत हाय चेप्तड़ा। ओह गुड, वेरी गुड। ओके ओके सी यू देन। अभी ऑफिस भी इनका ख़त्म हो गया और अभी हम घर जा रहे हैं ना। टाइम है था एनिम द करेक्ट, अभी 8 बज रहे हैं और सुबह से आज हमारे साथ क्या क्या ट्रेजेडी हुई है वो तो आपने देखी है। तो अभी हम घर जा रहे हैं और घर जाके कुछ बना नहीं सकते इसलिए रास्ते में ही कुछ ले लेंगे अभी हम और घर जाके खाएंगे क्योंकि कहीं बैठ के खाने की भी हिम्मत नहीं है। आपको मालूम है कि सुबह से जो है हमारी ट्रैवलिंग चल रही है, उसके बाद जो है वहाँ पे भी हम लोग खूब बैठे हुए थे ऐसे। तो ये सब हुआ। आई होप आज का व्लॉग भी आप लोगों ने बहुत इन्जॉय किया होगा। तो मेरे सब्सक्राइबर्स भी मिले, वो भी मैंने आपको दिखाया। तो जब भी कोई सब्सक्राइबर मिलता है ना तो बहुत अच्छी वाली फीलिंग आती है कि लोग अब हमको भी कहीं देख के जानने लगे हैं घर के। फ्राइड राइस ले लिया है, एग फ्राइड राइस, और घर जाके वो खा लेंगे। अब बहुत बुरी तरह थका गए हैं और घर पहुँचते मे भी 9:30 हो जाएंगे और उसके बाद व्लॉगिंग का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है बिकॉज वेरी मच टायर्ड, कांट एक्सप्लेन द टायर्डनेस राइट नाउ बिकॉज फीलिंग वेरी स्लीपी। एंड खाना खाने का भी वैसे मन नहीं है, हमने सोचा था अभी तो स्किप कर देते हैं लेकिन बच्चों को तो खिलाना ही है, उनके लिए तो लेना ही पड़ता या तो बनाना ही पड़ता, इसलिए ले लिया हमने, बोला चलो ठीक है ले लेते हैं। तो आई होप आज का व्लॉग आपको बहुत 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 अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ आप एक लाइक ज़रूर चिपका दीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि जो भी मैंने वीडियो में कवर किया है, जिन लोगों को मालूम नहीं है कि गांव के एटमॉस्फेयर में लोग कैसे रहते हैं, क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा कवर किया है क्योंकि बहुत लोग जब सिटीज़ में चले जाते हैं या फॉरेन कंट्रीज़ में चले जाते हैं तो विलेज कल्चर को भूल जाते हैं और मतलब विलेज को भी एक तुच्छ नज़र से देखते हैं। तो मेरा ये मोटिव था कि जिनका कोई अदर वे में सोचना हो वो भी जो है देख के उनका जो है माइंड चेंज हो और वो हमारे गांवों को भी विज़िट करें ताकि सब कुछ पता लगे और कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है वो भी। अभी जैसे अगर आप मेरे फ्रेंड्स हैं, आप देख रहे हैं, तो जो अगर कोई इम्प्रूव करना चाहता है किसी एरिया को तो वो भी तो देखेंगे तो कल को वो गाँव भी बहुत इम्प्रूव हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि आज भी ऐसे बहुत सारे प्लेसेस हैं जहाँ पर पानी एंड बिजली की भी समस्या है और बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो है अवेलेबल नहीं है, तो मेरा मोटिव यही था कि
मतलब बहुत ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे करके। तो अगर अच्छा लगा हो और मेरा जो थॉट है इसके लिए वो भी अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक चिपका दीजिएगा और शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हैं। तो चलिए मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में और कल फिर से मिलूँगी अपने वीडियो से। अब मेरे रेगुलर हो जाएंगे वीडियो क्योंकि जब मैं गाँव में थी बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था। तो इसके बाद तो धनाधन आने वाले हैं वीडियो। तो कीप वॉचिंग माई चैनल and press the bell icon too to get notified whenever I post the new video. So okay, see you in my next video. Till then, take care. Bye bye. Bye bye.